कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम को लेकर लोहरदगा पहुंचे राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संवाद कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिए बयान की राज्यसभा सांसद और वित्त मंत्री के संरक्षण में यह दंगा हुआ है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी लोहरदगा में शांति स्थापित करने नहीं बल्कि जलाने का काम करने आए थे। एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या है या उन्हें पता नहीं है? वह जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, जनता सब कुछ समझ चुकी है। यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है, कई बार पटखनी खा चुके हैं, उसी का भड़ास निकाल रहे हैं। और जो मेरे ऊपर इस तरह का बात की है, तो ज़रा मुझे लगता है कि ये यहाँ पर शांति स्थापित करने नहीं आए थे, यहाँ पर आग जलाने का काम कर रहे थे। और इस तरह का एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह का शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या है उन्हें लगता है को पता नहीं होगा जो इस तरह से बात आप कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से बात किए हैं तो जनता सब यहाँ के समझ चुकी है, यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है। तो कई बार मुझे लगता है कि कई बार वो पटकानी खा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, तो इसी का भड़ास उतार रहे हैं। आम जनों से क्या अपील करेंगे? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।